प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गणित की पाठशाला में। आज हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 10 ठोस आकारों का चित्रण में त्रिआयामी आकृतियों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि त्रिआयामी आकृतियाँ क्या होती हैं, वे आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उनको हम त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं। यानी कि त्रिआयामी आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होती है। ये आकृतियाँ ठोस होती हैं, ये सभी आकृतियाँ स्थान घेरती हैं, इनकी 3 विमाएँ होती हैं। जैसे ये लूडो की गीटी है, जिसको हम घन बोलते हैं। ये हमारे पास गोला और ये हमारे पास शंकु के आकार की है। तो इस तरह के जो आकृति हैं, ये हमारे पास यहाँ पे दी जो दी आकृति दी हुई है, ये बेलन के आकार की है। इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं, उनको हम त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं। फलक, प्यारे बच्चों, क्या होते हैं? फलक, जिसको इंग्लिश में हम फेस बोलते हैं, ये आकृति का स्पाट या वक्र पृष्ठ होता है। जैसे ये हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये फलक है, फेस है, ये भी है, एक यहाँ पे भी है, एक इधर भी मिलेगा, एक इसके नीचे ही मिलेगा, एक इसके पीछे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम फलक। तो ठीक इसी प्रकार के से किनारे, किनारे जहाँ पे दो फेस आपस में मिलते हैं, जहाँ पर दो फलक आपस में मिलते हैं, वहाँ एक रेखाखंड बनता है, जिसको हम किनारे कहते हैं। यानी कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको हम किनारे बोलते हैं। इसके बाद शीर्ष, ठीक, जैसे किनारे दो फलक के मिलने से बनते हैं, इसी तरह से दो किनारों के मिलने से हमारे पास क्या मिलेगा हमें? शीर्ष, या इसको सामान्य सी भाषा में हम क्या कहें कि ये आकृति के कोने होते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ 3D आकृतियों के बारे में बात करें, तो जैसे हमारे पास हम घन की बात करें, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं, एक ये, एक इसके पीछे, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे, एक ये ऊपर और एक ये नीचे, और ये एक 3D आकृति है। अगर हम बात करें शंकु की, तो इसका जो आधार है वो वृत्ताकार होता है। इसका जो आधार है यहाँ पे, यह वृत्ताकार होता है, और इसका जो शीर्ष है यहाँ पे, ये नुकीला शीर्ष होता है। यहाँ पे एक शंकु की आकृति है। वो जैसे हम, अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें, अपने दैनिक जीवन में बात करें, तो ये सॉफ्टी है, जो नीचे शंकु होता है और ऊपर कह सकते हैं कि हम अर्ध गोला होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे बेलन की आकृति है हमारे पास, इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बेलन की। ठीक इसी तरह से जो गोला है हमारे पास, एक 3D आकृति है। ये जैसे एक बॉल होती है, एक फुटबॉल होती है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम सीखेंगे कि 3D आकृति बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 3D आकृति को कैसे समझें? तो 3D आकृति बनाने के लिए जाल। तो प्यारे बच्चों, जाल 2D में एक प्रकार का ऐसा ढांचा है, जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है। यानी कि जो 2D जाल है, इसको जब हम मोड़ते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से जब हम इसको मोड़ते हैं, तो आपको 3D आकार प्राप्त होता है। जैसे ये एक जाल दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर ऊपर से, यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो ये हमें इस तरह की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप एक माचिस की डिब्बी या कोई भी एक डिब्बा कागज़ का, उस पे ये चेक कर सकते हो कि आप उसको काट के एक साइड से, किसी एक साइड से काट लें उसको, आप देखेंगे कि उसके अंदर जो 2D आकृतियाँ हैं, या आयत है या वर्ग है, उनका जाल है, जिससे वो 3D आकृति यानी कि घनाभ बनी हुई है। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से 3D आकृति को हम
स्पाट पृष्ठ पर कैसे चित्रित कर सकते हैं, ये अब हम देखते हैं कि जैसे हमें कागज़ पर 3D आकृति बनानी है तो इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहला जो चरण है, आप उस आकृति के सामने का फेस बनाएं, जैसे कि यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा चरण है, सामने के फलक का सम्मुख फलक खींचिए। तो यहाँ पे जैसे एक और फलक आपको खींच दिया है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहले एक फलक खींचा, एक ये फलक हो गया और इसके सामने वाला फलक ये खींच दिया। दूसरे चरण में हम ये करेंगे, फिर हमने आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में अब आप देखेंगे कि संगत कोणों को हमने मिला दिया है। तो यहाँ से ये जो कोने हैं इनको मिला दिया है हमने, तो यहाँ पे मिला दिया है, यहाँ इस तरह से इनको मिला दिया है। तो तीसरे चरण में हम ये करेंगे। और चौथे चरण में हमने क्या किया है कि छिपे हुए किनारों के लिए चित्र को बिंदुकित रेखाओं का प्रयोग करते हुए पुनः खींचे। जो किनारे छिपे हुए हैं उनको डॉट लगा के इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें क्या होगा कि एक घना घन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप जो सपाट है उस पर 3D आकृति का चित्रण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से 3D आकृतियों का समदोरिक चित्र हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक जैसे पहले हमने एक घन बनाया, अब हम एक घना बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आयत ली और फिर दूसरे चरण में हमने क्या किया, आयत के चारों कोनों से लंबाई 3 इकाई के वाले 4 रेखाखंड, ये और ये खींच दिए। फिर उसके बाद तीसरे चरण में हमने क्या किया, सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से मिलाइए। तो हमने इनको ऐसे मिला दिया रेखाखंडों से। तो इस तरह की आकृति हमें प्राप्त होगी। और उसके बाद हमने हमें क्या प्राप्त हो गया, एक घनाभ का समदोरिक चित्र प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम जो 3D ऑब्जेक्ट हैं, 3D जो आकृतियां हैं, उनको स्पॉट पे बना सकते हैं। तो आपका जो होमवर्क है वो ये रहेगा कि आप एक घनाभ और एक गोले को बनाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।